नमस्कार, मैं ऋत्विक रिबड़िया ओशियन एमटेक फैमिली की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आजकल नए नए स्टार्टअप बड़े बड़े इन्वेस्टरों से फंड ले लेते हैं, उसके बाद करोड़ों रुपया मार्केटिंग में फूकने के बाद उसका प्रॉफिट का कोई ठिकाना नहीं होता और उसके बाद भी वो लॉस में चलते हैं। क्या इस दौर में भी एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो इन्वेस्टर से भी एक रुपया ना ले, मार्केटिंग में भी एक रुपया ना डाले, फिर भी अपने दम पे 2000 करोड़ का प्रॉफिट बना ले? जी हाँ, ऐसी कंपनी है और वो है इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ज़ेरोधा। जिस मार्केट में HDFC, ICICI जैसे बड़े दिग्गज होने के बावजूद कैसे टीचर और बैंक मैनेजर का बेटा नंबर वन बन गया, कैसे कंपनी सिर्फ 7 जनों से शुरू हुई थी और आज 1100 आदमियों के स्टाफ के साथ काम कर रही है, कैसे दो भाइयों ने 12 साल के अंदर 0 रुपीज से शुरू होकर 28,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है। आज ज़ेरोधा का मार्केट शेयर 19.1% है, यानी कि मोटा मोटा काउंट करें तो 20% उसका मार्केट शेयर है। यानी कि आज मार्केट में हर पांचवा बंदा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है वो ज़ेरोधा के थ्रू ही निवेश करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ज़ेरोधा ज़ेरोधा बना कैसे, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 लर्निंग देने वाला हूँ जो आपका दिमाग का ढक्कन खोल देंगे और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और ज़ेरोधा ने ऐसी कौन सी 3 स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। तो अगर आप व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो या आपके परिवार में कोई व्यापार कर रहे हैं और क्या आपके व्यापार के प्रति इंटरेस्ट है तो एक केस स्टडी आपको जरूर देखनी चाहिए। एक केस स्टडी ना बल्कि आपके बिजनेस में लेकिन पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आ सकती है। तो देरी किए बिना इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं ज़ेरोधा के फाउंडर, उसके पिताजी है वो कैनरा बैंक में जॉब करते थे, उसकी माताजी थे वो टीचर थी, यानी कि उसके हर एक फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ जॉब करता था। अब नितिन कामत जी जब छोटे थे उसके सारे मित्र थे वो मारवाड़ी थे, तो उसके अंदर वहाँ पे डिस्कशन ये होती थी कि बिजनेस के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादातर वो लोग बात करते थे। उसकी वजह से और नितिन कामत जी को 17 साल की उम्र में ट्रेडिंग के बारे में चस्का लगा था, तो उसने ट्रेडिंग चालू करने के लिए अपने माताजी के नाम के अपना अकाउंट ओपन करवाया और ट्रेडिंग चालू करना स्टार्ट कर दिया। उसी समय में आपको पता होगा अगर आपको ट्रेडिंग करना था तो आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, स्क्रीन के सामने देखना पड़ता था, ये ले लिया, इसको बेच दो, इसको बेच दो, ये सब करना पड़ता था, उसके बाद जब ट्रेडिंग कर पाते थे। तो नितिन जी ने अपने जेब के पैसे लगा दिए, 2-4 गलतियाँ की वजह से सारे लॉस कर दिए, उसके बाद मार्केट से कुछ पैसे उधार लिए, उसके बाद उसने भी ट्रेडिंग में लगा दिया, वापस उसने लॉस कर दिया। नितिन जी हर बार लॉस कर रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ जो अगली बार उसने मिस्टेक की थी उसको सुधार के वापस ट्रेडिंग करते थे, तो वहाँ पे उसको जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ भी सुधार रहे थे और नए नए टेक्निक अपना भी रहे थे। ट्रेडिंग की वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उसकी वजह से सारे रिलेटिव्स थे वो तो कुछ ना कुछ बोलते थे लेकिन उसका फैमिली मेम्बर का पूरा सपोर्ट मिलता था, उसकी वजह से वो ट्रेडिंग है उसको कंटिन्यू कर पाते थे। तो उसके बाद उसने कॉल सेंटर का जॉब चालू कर दिया, तो सुबह सुबह में ट्रेडिंग करते थे, शाम को कॉल सेंटर का जॉब करते थे, वापस अगले दिन ट्रेडिंग करना चालू करते थे। इसी तरफ से उसने ट्रेडिंग भी कंटिन्यू किया और अपना साइड में जॉब भी चालू किया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ में आ गया था। और उसके बाद नितिन कामत जी कहते हैं 2003 या 2004 के बाद अभी तक उसने कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं खाया है। तो लर्निंग नंबर 1, फॉलो योर पैशन, यानी कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप किसी के धक्के की वजह से आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते हो, लेकिन अगर आपका पैशन है ऐसे काम करते हो तो स्टार्टिंग में आप निष्फल बनोगे, आप पढ़ोगे, लेकिन आपका पैशन होगा तो ज़रूर आप एक दिन ऐसे काम के अंदर सक्सेसफुल बन पाते हो। और यही किया नितिन कामत जी ने, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था वो बिजनेस करेगा या इतने सारे लोगों का पैसा संभालेगा। एक बार जब जिम में गए थे तो वहाँ पे QS के पर्सन के साथ उसका कांटेक्ट हो गया था, बातचीत होगी, उसके बाद बातचीत में वो वहाँ पे ड्रिंक पे चले गए, तो उसके बाद वहाँ पे नितिन कामत जी ने अपना पूरा बताया कि वो ट्रेडिंग वगैरह किस तरफ से करते हैं। वो बंदा बहुत इंप्रेस हो गया, उसको बोला आप भैया 25 लाख का चेक संभालो और ट्रेडिंग करो। तो नितिन कामत जी ने धीरे धीरे उसके अंदर प्रॉफिट कमा के दिया, तो एक कस्टमर से दूसरा बन गया, 2 से 4 बन गया, ऐसे धीरे धीरे करके 10 कस्टमर बन गए। तो अब उसको लगता है इतने सारे कस्टमर को डेली अकाउंट ओपन करूँ, ट्रेडिंग करूँ, वो सब पूरा मैनेज करना उसके लिए डिफिकल्ट हो गया था। तो किसी ने बताया कि आप एक ब्रोकर बन जाओ, तो उसने 2006 में रिलायंस मनी की ब्रोकरशिप ले ली और उस पर काम करने लग गए। वो एक बहुत अच्छे ट्रेडर के साथ साथ में सारे इन्वेस्टर का पैसा था उस पर भी ट्रेडिंग करता था, तो वहाँ से भी उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, वो सारे पैसे कमा के वापस उसको री इन्वेस्टमेंट करते थे और ऐसे करके उसने खूब पैसा बनाया। उसके साथ में 2008 के क्राइसिस के टाइम उसने खूब सूझबूझ के साथ ट्रेडिंग किया और वहाँ से भी उसने जमकर पैसे बनाए और उसने कहा बहुत सारे पैसे तो कमा लिए लेकिन ट्रेडिंग की जॉब से उसको छुटकारा चाहिए,
तो उसने 2008 के बाद एक्टिवली डिसाइड किया को ट्रेडिंग की जॉब नहीं करेंगे। तो उसके बाद उसने सब ब्रोकर बनना डिसाइड किया, अलग अलग ब्रोकर के साथ काम करके देख लिया, लेकिन वहाँ पे उसको नहीं मजा आया। तो उसने डिसाइड किया को अच्छी सी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो हर एक ब्रोकर के लिए काम आ सके। अगर प्रोडक्ट चल गया तो अच्छी बात है, अगर प्रोडक्ट नहीं चला तो जितने भी हमारे ब्रोकर से रिलायंस मनी के अंडर में वो इसके अंडर में काम करेंगे। तो उसने ऐसा डिसीजन लिया था। लर्निंग हमें यहाँ क्या मिलती है? लर्निंग नंबर दो, हम जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, कोई न्यू स्टार्टअप करते हैं, तो सबसे पहले हमको उस फील्ड में काम किया होना चाहिए, या तो उस फील्ड के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद उस फील्ड के अंदर हमको कूदना चाहिए। यहाँ से दूसरी लर्निंग भी हम सीख सकते हैं कि अगर हमको कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। हम डायरेक्ट को विदाउट कैलकुलेशन के साथ रिस्क लेते हैं तो कभी भी उस फील्ड के अंदर हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते। और उसके बाद नितिन जी ने डिसाइड किया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर खुद की कंपनी चालू करेंगे, तो फंड के लिए अलग अलग जगह पे गए, तो सभी जगह से फंड के लिए मना कर दिया, क्योंकि 2008 का क्राइसिस चल रहा था और न्यू स्टार्टअप था, तो उसकी वजह से कहीं से भी उसको फंड नहीं मिला था। तो फाइनली 2010 के अंदर उसने जीरोधा को लॉन्च कर दिया। जीरो रोधा, रोधा का मतलब अवरोध होता है, यानी कि जीरो अवरोध वाला। तो नितिन जी आज भी कहते हैं कि उसी टाइम उसको फंड नहीं मिला, उसी की वजह से आज वो नंबर वन की मुकाम पे है। जीरोधा कंपनी चालू करने के बाद उसमें उसने 3 इनोवेशन किए, यानी कि कुछ हटके किया। पहला यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग चालू किया था। बहुत ज़्यादा कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो था, लेकिन ज़्यादा जो ट्रेडिंग था वो ऑफलाइन ही चलता था, तो ये उसने एक नया इनोवेशन किया था। दूसरा कमीशन, यानी कि अलग अलग कंपनियां जो थी वो वहाँ पे जो भी ट्रेडिंग करते थे तो उसके अंदर वो अलग अलग परसेंटेज पे कमीशन लेती थी। यानी कि किसी ने एग्जांपल के रूप में समझे, किसी ने 1000 का ट्रेडिंग किया तो उस पर उतना कमीशन लगता था, कोई किसी ने बड़ा ट्रेडिंग किया तो उसको वहाँ पे बड़ा कमीशन लगता था, तो कमीशन फिक्स नहीं था। लेकिन जीरोधा ने क्या किया कि फिक्स कमीशन कर दिया, भैया तुम छोटा ट्रेडिंग करो, बड़ा करो, या 1 करोड़ का भी ट्रेडिंग करो, आपका पर ट्रांजेक्शन पे सिर्फ हम तो 20 रुपये लेंगे। तो उसने एक बहुत बड़ा फायदा कर दिया, तो बहुत सारे ट्रेडर थे वो वहाँ पे आ गए, क्योंकि जो लोग बड़े ट्रांजेक्शन करते थे उसको कोई भी ट्रेडिंग पे सिर्फ 20 रुपये कमीशन देना पड़ता था। तीसरा ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अलग अलग कंपनी की अंदर वहाँ पे पता नहीं लगता था कि इस पे इतना चार्ज लगेगा, इस पे इतना चार्ज लगेगा। यहाँ पे जीरोधा कैलकुलेटर बनाया था तो पहले से सबको पता चल जाता था कि इस पे इतना चार्ज लगेगा, तो हम पहले से प्रिपेयर रहते थे। ये तीनों इनोवेशन की वजह से जीरोधा कंपनी है वो सक्सेसफुल बन पाई थी। तो लर्निंग नंबर थ्री, आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो या कोई भी न्यू स्टार्टअप करते हो तो ये सोच के मत कीजिए कि मेरा ताऊजी कर रहे हैं या मेरा चाचाजी कर रहे हैं। आप पहले मार्केट को समझो, आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो पहले डिसाइड करो, या मार्केट में जो भी हो रहा है उससे आप बेटर क्या दे सकते हो, उससे क्या अपडेट दे सकते हो, वो समझने के बाद ही आप न्यू कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। आप बिना समझे कुछ भी स्टार्टअप करोगे या कुछ भी बिजनेस चालू करोगे तो उसके अंदर आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो आपको कोई भी नया स्टार्टअप करने के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है। और बेस्ट वाला काम तभी होता है जब आप मार्केट में USP लेके एंटर करते हो। तीन लर्निंग के बाद समझते हैं स्ट्रेटेजी नंबर वन। आप उसको स्ट्रेटेजी समझो या कोई भी मजबूरी समझो जिसकी वजह से जीरोधा जीरोधा बना था। नितिन जी ने सब अलग अलग इन्वेस्टर के पास गए थे पेमेंट के लिए, फंडिंग के लिए, तब कहीं से भी उसको फंड तो नहीं मिला था, अब उसको खुद की जेब से पैसे लगाना पड़ता था। तो वहाँ पे जब दूसरी कंपनियाँ मार्केटिंग में इतना सारा खर्चा करती थी फिर भी कस्टमर नहीं आता था, अगर कस्टमर आते थे तो भी उसको रेफरल कोड कूपन कोड देके फ्री में कस्टमर लाना पड़ता था। यहाँ पे जीरोधा ने क्या किया था कि अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी 200 रुपीज़ चार्जेस देना पड़ता था, उसके बाद एनुअल चार्जेस वो भी 300 रुपीज़ लेते थे। नितिन जी ने कहा था भैया हम तो फ्री में नहीं देंगे, तो यहाँ पे दूसरी कंपनी को कस्टमर एक्वायर करने का, मार्केटिंग करने का पैसा देना पड़ता था, उसकी जगह पे जीरोधा में कस्टमर का एक्वायर करने का पैसे मिलते थे, इसकी वजह से जीरोधा है वो टॉप पर थी। यहाँ पे जीरोधा को एक और बेनिफिट था, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स आते थे दूसरी कंपनी की कंपेयर में, यानी कि दूसरी कंपनी में फ्री में अकाउंट ओपन होता था तो वहाँ पे स्टूडेंट भी आते थे, जॉब करने वाले भी आते थे, तो ऐसे कस्टमर आते थे जो हर एक कस्टमर ट्रेडिंग नहीं करता था। लेकिन जीरोधा में जितने भी लोग अकाउंट ओपन करते थे वो सारे क्यों होते थे, बिजनेसमैन होते थे या ट्रेडिंग करने वाले ऐसे लोग ही थे, तो वहाँ पे उसको कमीशन मिलना भी चालू हो जाता था। और नितिन जी ने 2.5 साल कॉल सेंटर में काम किया हुआ था तो उसने खुद हर एक कस्टमर को कॉल करना चालू किया। उसी समय में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह था नहीं, लेकिन नितिन जी के पास 5000 कस्टमर का डेटा था, तो उसने खुद हर एक कस्टमर को कॉल करना चालू किया, वो मैसेजेस भेजते थे, तो उसके बाद 1 साल के अंदर उसने 1000 कस्टमर बना लिए थे। तो हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर दो। उन्होंने क्या किया कि हम काम करते हैं
बहुत कम कमीशन पे, यानी कि वो तो दूसरी कंपनी भी कर सकती है, हम काम करते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, वो भी दूसरी कंपनी कर सकती है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी कल आके वो भी हमारी कॉपी कर सकती है। हम एक यूएसपी पे काम कर रहे हैं लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के लिए सुपीरियर जाना पड़ेगा। तो उसी टाइम पे एनएससी का नाव चलता था, तो उसके अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन भी नहीं था, और दूसरी चीज़ के एनएससी चलता था, बीएससी चलता भी नहीं था, और उसी टाइम बीएससी ने एफएनडो और फॉरेक्स वगैरह सबको लॉन्च भी कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, जिसने नाव बनाया था उसी कंपनी का कॉन्टैक्ट किया, और उसको जो कस्टमाइजेशन वाला सॉफ्टवेयर चाहिए था वो बनाने के लिए उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसका नाम था जेरोधा ट्रेडर, और जेडएम करके एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई थी जिसके अंदर भी सब लोग ट्रेडिंग कर सकते थे। बाकी सबके कंपेयर में एक यूनिक था, एक इनोवेशन था, लेकिन अभी भी नंबर वन बनना बाकी था। और वो चीज़ उसको तब मिली जब 2013 में कैलाशनाथ के संपर्क में आए थे। कैलाशनाथ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग में तगड़ा नाम था, और इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में कैलाशनाथ जी के साथ मिलना हुआ था, लेकिन कोई रीजन की वजह से वो डील कन्फर्म नहीं हो पाई थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था इसको हम टेक्नोलॉजी में सुपीरियर बनाते हैं, और उसके बाद कैलाशनाथ जी की एंट्री जेरोधा में होती है और वो कंपनी में सीटीओ बनते हैं। उसके बाद जेरोधा का ओरिजिनल भाग्य खुलते हैं, और 2015 में उसके सपोर्ट की वजह से 30 लोगों की टीम के साथ फाइनली 2 साल के बाद उसने आप में सब लोग जो यूज़ करते हैं वो काइट एप्लीकेशन लॉन्च किया। वो एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के कंपेयर में बहुत इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन था। अब आते हैं लर्निंग नंबर 4। आज सारे बिजनेस है वो टेक बन गया है, यानी कि फाइनेंस की जगह फिनटेक हो गया है, यानी कि आप कोई भी चीज़ का बिजनेस करते हो उसके अंदर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अगर आप आज टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करोगे तो 8-10 साल के बाद आपको कंपलसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। बेटर है आप अभी से ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चालू कर दें। अब बात करते हैं जेरोधा की स्ट्रेटेजी नंबर 3, यानी कि लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं था, ट्रेडिंग कैसे करना उसके बारे में भी अवेयर नहीं था। तो लोग बहुत सारे आते थे, थोड़े टाइम ट्रेडिंग करते थे, उसके बाद वापस चले जाते थे, किसी को कुछ नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पे अवेयरनेस का अभाव था, उसकी वजह से नितिन कामत जी ने खुद ब्लॉग लिखना चालू किया। उसने जेड कनेक्ट नाम से ब्लॉग लिखना चालू किया। वो खुद लिखते थे कि किस तरफ से ट्रेडिंग करना चाहिए, किस तरफ से उसको एग्जिट होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे और ब्लॉग के थ्रू सभी कस्टमर को देने लगे थे। और उसने 2014 में वर्सिटी नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसके अंदर स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, इक्विटी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अगर आपने वर्सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, आप उसके अंदर जाते थे तो आपको तीनों टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती थी, और कस्टमर की है अवेयरनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती थी। और एक बात, वो जब काइट एप्लीकेशन बना रहे थे तो जब पेटीएम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखते हैं, ब्लॉक का भी होता है, परचेज का भी होता है, तो इसी तरफ काइट ने अंदर उसने सिंपल सा एक इंटरफेस रखा हुआ है, और हर एक कस्टमर एकदम जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही उसने सेटअप किया था। उसकी वजह से भी बहुत सारे कस्टमर है वो एप्लीकेशन यूज़ करना चालू किया था। और उसके बाद जो सेल्स टीम थी जो अकाउंट खुलवाने में मदद करती थी, वो पूरी 500 लोगों की सेल्स टीम को उसने रातों रात सपोर्ट टीम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वो लोग ऐसे सोचते थे कि अगर कस्टमर को अवेयरनेस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना, तो वो सेल्स आएगा नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने 500 की टीम को सपोर्ट टीम में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके कस्टमर को प्रॉपर माउथ कॉम्बिनेशन भी करना चालू किया, तो सेल से वो अपने आप बढ़ने लगा। 2016 में उसको एक और पुश मिल गया जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, डिमोनिटाइजेशन किया, आधार को पुश किया, डिजिटली थोड़ा बहुत प्रचार किया, उसकी वजह से उसका जो काम था वो बहुत आसान हो गया था, उसकी वजह से उसका जो कस्टमर है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी मिल गई थी। कामत बंधु हो जो है निखिल और नितिन, उन दोनों ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो कस्टमर के प्रॉब्लम आते थे, उसका जो कोई भी क्वेरी आती थी वो उसको प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करते थे, और आगे भी उसका प्रॉब्लम ना आए उसके बारे में वो बहुत ध्यान रखते थे। तो इससे लर्निंग ये सीखने को मिलती है, लर्निंग नंबर 5, कि हम कोई भी कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कस्टमर का ध्यान रखते हैं, तो कस्टमर अपने आप हमको प्यार करने लगते हैं, और वापस वो कस्टमर हमारे पास ही आने लगते हैं। लास्ट स्ट्रेटेजी नंबर 4, यानी कि कंटिन्यू एक्सपांड करते रहो, यानी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट को बना लिया, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि वही प्रोडक्ट मार्केट में कंटिन्यू चलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक टाइम थोड़े समय के बाद मार्केट के अनुसार, मार्केट के नीड के अनुसार आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करना जरूरी है। ये पहले इक्विटी में काम करते थे, उसके बाद 2017 में उन्होंने कॉइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डील करता था, और इंडिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर डील करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कस्टमर की हेल्प के लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तो नितिन कामत ने एक बार ट्वीट किया था और ट्वीट करके बताया था कि हमारे 99% कस्टमर है वो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं बना रहे, सबको लगेगा इसने क्या बोल दिया, इसके अंदर जो ट्रेडिंग कर रहे उसको क्या किस तरफ का मैसेज आएगा। लेकिन उन्होंने क्लियर किया था कि जो मेरा कस्टमर है
जो मेरे साथ रेगुलर कब जुड़े रहेंगे, अगर वो अवेयर होंगे, वो यहाँ से कमाएंगे तब जाके। वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो कस्टमर एक बार आए, लॉस करे, वापस चला जाए। हर साल के बाद वो कस्टमर है, उसके साथ जुड़ा रहे, उसके लिए उसने ऐसी इकोसिस्टम डेवलप की थी। और उसने बताया था कि हम वो चीज़ करेंगे जिससे कस्टमर का फायदा होगा, कस्टमर का बेनिफिट होगा, वही चीज़ करेंगे। उसने हमेशा कस्टमर को सेंटर में रखा था। लास्ट में लर्निंग नंबर 7 आती है। अगर आपने आपके कस्टमर का भरोसा जीत लिया, उसका प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया, तो मार्केट के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। मार्केट के अंदर पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी आने के बावजूद जीरोधा कंपनी को कुछ भी नहीं बिगड़ पाई। इस वीडियो के अंदर हमने 7 लर्निंग और 4 स्ट्रेटेजी के बारे में सीखा था। तो अगर आप ट्रेडर हो, बिजनेस करते हो, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, या प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, अगर आपने लर्निंग सीख लिया, स्ट्रेटेजी सीख लिया, तो आप आपके बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। और बाकी जीरोधा भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, हम भी उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।